जय जगन्नाथ। मैं गोपाल बेहरा आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ मेरा चैनल रजनी गाडा पे। वैसे आज का सेशन भी एक डिस्कशन सेशन है, जो कि मैं प्रॉमिस किया था आप सबको एक रीजनल बीएड का डिस्कशन लेके आने के लिए। तो आज ये सेशन पूरा करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले, अगर अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और सारा का सारा क्वेश्चंस समझने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर जुड़े रहिए ताकि आप सब इजीली समझ पाए। कहीं पे भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। ये है आपका NCERT बा, जो कि है नेशनल आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2019 का पेपर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। पार्ट वन है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सिर्फ तीन चैप्टर्स आता है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ तीन सब्जेक्ट्स। एक होता है आपका लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है, दूसरा है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और तीसरा आपका रीजनिंग। इंग्लिश आपका आता है 20 क्वेश्चंस, जो कि आपका 40 मार्क के लिए रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड रीजनिंग आपका रहेगा 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है और वहाँ पे नेगेटिव मार्क्सिंग भी है, जो कि -0.5 होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कशन करने वाला नहीं हूँ, उसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ चलता हूँ रीजनिंग सेक्शन में, जो कि शुरू करता हूँ अभी। आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये राइट में हम आपका पेपर में राइट पे हिंदी का वर्सन रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हटा दिया हूँ ताकि आप सबके लिए मैं यहाँ पे कुछ लिख सकूँ। ओके, तो चलते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच लेटर शुड बी प्लेस एट द क्वेश्चन मार्क टू मेंटेन द सीक्वेंस, ठीक है। देखिए, मैं पहले बता दूँ, ये रीजनिंग सबसे ईजी होता है यहाँ पे आप रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के लिए, ये बीएड रीजनल बीएड के लिए। जैसे कि आप 60 मार्क्स से मिनिमम आप 55 प्लस सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी आता है क्वेश्चन, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर ये एक मार्क्स सिक्योरिंग चैप्टर से, ठीक है। मार्क आपको बहुत इजीली मिल जाता है, तो ध्यान देना, शुरू से एंड तक जुड़े रहना। तो ये क्वेश्चन का आपका अगर आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे है एक्स डायरेक्टली, ये आपका है लेटर सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। लेटर सीरीज का बहुत ही जल्दी मैं आपका चैप्टर लेके आने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यह लेटर सीरीज अगर देखते हैं तो ये मैं एक्स लेता हूँ 24, यू है 21, एस है 19, पी है 16, एन 14 एंड के 11। अगर ऐसे देखता हूँ तो ये हुआ 24 से ये कितना कम हुआ, ये 3 कम हुआ, ठीक है। फिर से 21 ये 19 है, मतलब 2 कम हुआ। फिर से 19 ये 16, मतलब 3 कम हुआ। ये फिर 16 से फिर से 14, मतलब फिर से 2 कम हुआ। तो यहाँ पे फिर से देखिए 3 कम हुआ, तो यहाँ पे फिर से कितना कम होगा, 2 कम होना चाहिए। अगर 11 से 2 कम होगा तो कितना आएगा, 9th। 9th पोजिशन पे कौन है आपके, आए, तो आपका आंसर कौन आएगा, आए। क्लियर, ओके। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आपके पास, द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल फॉर्म इन द क्वेश्चन पेयर दे आर फॉलोड बाई 4 आंसर्स पेयर ऑफ वर्ड्स, चूज फ्रॉम देम वन विच रिप्रेजेंट द बेस्ट रिलेशनशिप सिमिलर टू द एक्सप्रेस्ड बाई द क्वेश्चन पेयर। मतलब यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पूछा, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। एनालॉजी मतलब सिमिलरिटीज, ठीक है। एनालॉजी का क्वेश्चन मतलब जैसे कि फिल्म जैसे डायरेक्टर को लिंक हुआ है, वही फॉर्मेट में, यही रिलेशनशिप में, इसमें से कौन सा सही होने वाला है, फिल्म को कौन डायरेक्ट करता है, संभालता कौन है, डायरेक्टर। वैसे पेंटिंग को आर्टिस्ट संभालता ही नहीं, जो डायरेक्शन देता है, मतलब दिशा मार्ग हम यहाँ पे दिखाते हैं वैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आर्टिस्ट बनाता है इसको, ठीक है। वैसे अगर फिल्म का प्रोड्यूसर देता तो पेंटिंग का आर्टिस्ट होता, ठीक है। इस प्रकार अगर ये फॉर्मेट में देखेंगे तो स्पोर्ट्स को कौन आपका मार्ग दिखाता है, मतलब दिशा दिखाता है, कोच, ठीक है। कैसे करना है, कैसे खेलना है, ये सर आपका स्पोर्ट्स बताए, स्पोर्ट्स के लिए कौन होता है, कोच होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, द की 3, स्पोर्ट्स इज टू कोच। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे, इन द फॉलोइंग डायग्राम द ट्राइंगल द सर्कल एंड द स्क्वेयर रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स सिंगर्स एंड एथलेट्स। मतलब ट्राइंगल क्या हो गया आपका, यहाँ पे दिया है ट्राइंगल्स सर्कल्स एंड स्क्वेयर रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट सिंगर एंड एथलेट। मतलब ट्राइंगल हो गया स्टूडेंट, ठीक है, और सर्कल हो गया क्या आपका, सिंगर्स, ओके, एंड आपका ये हो गया स्क्वेयर हो गया क्या, एथलेट, ठीक है जी, ओके। देन अब
बेस्ट ऑन द एबोव विच नंबर रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु आर सिंगर बट नॉट एथलेट, मतलब स्टूडेंट होना चाहिए और यहाँ पे सिंगर होना चाहिए. स्टूडेंट्स हु आर सिंगर्स, स्टूडेंट्स के साथ साथ वो क्या होगा, सिंगर होगा, लेकिन नॉट एथलेट मतलब एथलेट नहीं होना है. मतलब सिर्फ स्टूडेंट और सिंगर के बीच में जो कौन कॉमन आता है, सेवन. मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन फोर दैट इज सेवन. अगर आप टू ले लेते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा, सिंगर भी हो जाएगा और एथलेट भी हो जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच टू स्टेटमेंट, ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, थोड़ा ध्यान देने, लॉजिकल क्वेश्चन है. विच टू स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू टूगेदर बट बोथ स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स. दोनों एक साथ ठीक नहीं हो सकते लेकिन एक साथ गलत हो सकते हैं. अगर ये दिया हुआ है ऑल बॉयज मेक नॉइज इन द क्लास, ठीक है, ये मैं ट्रू ले सकता हूँ, एज्यूम कर सकता हूँ. ठीक है, सम बॉयज मेक नॉइज इन द क्लास, ये ऑल बॉय हुआ तो सम हो सकता है. ठीक है, लेकिन ये अगर ऑल में ट्रू कंसिडर करता हूँ तो इसको मैं फॉल्स कंसिडर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सारा का सारा बॉयज नॉइज करते हैं. मतलब कुछ तो कुछ ऐसे बचेंगे, मतलब मैं ये सारा का सारा कंसिडर करता हूँ तो इसमें से छोटा सा पार्ट भी कंसिडर कर सकता हूँ. ठीक है, लेकिन उसके बाद सम बॉयज डू नॉट मेक नॉइज, ये भी नहीं होगा. अगर ये सम बॉयज, ये ऑल बॉयज में मेक नॉइज लिया हूँ तो सम बॉयज नहीं करते ऐसे नहीं होगा. सारा का सारा अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मतलब नहीं बोल सकता हूँ. यहाँ पे अगर देते हैं नो बॉय मेक्स नॉइज इन द क्लास, तो अगर ये होगा तो मैं अगर बोलता हूँ कि सारा का सारा बच्चे करते हैं क्या, मतलब नॉइज करते हैं, फिर से मैं बोलता हूँ कि कोई भी नॉइज नहीं करता, मतलब ये इसको क्या कुछ भी रिलेट नहीं करता है, तो ये दोनों गलत आ सकते हैं. मतलब ये दोनों स्टेटमेंट को मैं गलत ले सकता हूँ. यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर थ्री, ऑप्शन ए एंड डी. मतलब ये अगर दोनों को मैं देखूँ तो ये अगर ये सही होता तो ये गलत होगा, ये गलत होता ये सही होता तो ये गलत होगा. ठीक है, ओके, चलिए. या फिर दोनों ही गलत हो सकते हैं. ठीक है, ओके. देन ये 55, ये क्वेश्चंस बहुत जन मुझे आप पूछ रहे थे कि सर ये वाला थोड़ा आंसर निकाल दीजिए. ओके, ये बात बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना. टाइम ऑफ ए स्कूल इज फ्रॉम 8 to 2 PM, मतलब 8 से लेके 2 बजे तक, मतलब आपका 6 आवर्स हुआ. ठीक है, 6 आवर्स मतलब कितना होता है आपका, 360 मिनट्स, 360 मिनट का आपका होता है स्कूल आवर. उसके बाद यहाँ देर आर 8 पीरियड्स, मतलब यहाँ पे मुझे 8 पीरियड्स लेना होगा. टोटल पीरियड्स कितना है, 8 पीरियड्स है. ओके, उसके साथ साथ एंड ए ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स आफ्टर 5 पीरियड्स. अभी 5 पीरियड मान लीजिए, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके बाद आपका रहेगा 20 मिनट्स का ब्रेक. ठीक है, उसके बाद फिर से 3 पीरियड रहेगा. ओके, बिटवीन एनी 2 consecutive periods ए गैप ऑफ 2 मिनट्स, मतलब ये 2 पीरियड खत्म होने के बाद, सॉरी यहाँ पे जो दिया हुआ बिटवीन एनी 2 consecutive periods, मतलब ये 2 पीरियड के बीच में यहाँ पे कितना एक आपका रहेगा, 2 मिनट का गैप रहेगा. फिर से यहाँ पे कितना रहेगा, 2 मिनट का गैप रहेगा. फिर से यहाँ पे कितना रहेगा, 2 मिनट. मतलब अभी एक काम करता हूँ मैं, ए बी सी डी ई, उसके बाद ये होता है आपका 20 मिनट्स ब्रेक, फिर से एफ जी एच, ऐसे में आपका पीरियड्स ले लेता हूँ. अभी ए और बी के बीच में क्या होगा, 2 मिनट का ब्रेक होगा. बी और सी के बीच में फिर से 2 मिनट होगा. सी और डी के बीच में फिर से 2 मिनट होगा. डी और बी के बीच में फिर से 2 मिनट होगा. लेकिन ई के बाद 2 मिनट का और नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर 20 मिनट्स का ब्रेक दिया हुआ है. ओके, उसके बाद फिर से एफ के बाद जी के बीच में 2 मिनट एंड जी एच के बीच में फिर से 2 मिनट. इसका मतलब अभी टोटल कितना मिनट आपको ब्रेक मिल गया, ये है आपका 20 मिनट्स ब्रेक. फिर से 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 12 मिनट का ब्रेक. तो टोटल मिनट्स कितना हुआ आपके, 32 मिनट्स आपका सिर्फ ब्रेक मिल गया. ठीक है, आउट ऑफ 360 32 मिनट्स आपका अगर ब्रेक जाता है तो टोटल क्लास कितना होता है आपका. यहाँ पे सिर्फ पूछा है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, अभी मुझे निकालना है. तो अभी 360 से अगर बहुत मतलब 32 निकल जाता है तो यहाँ पे कितना रहेगा, 328. अगर 328 मिनट का आपका क्लास होता है, अगर आपका 328 मिनट क्लास होता है उसमें से, लेकिन कितना चैप्टर या फिर कितना आपका पीरियड होता है, 8 पीरियड, तो अगर डिवाइड बाय 8 करें तो कितना आता है, 41 मिनट्स आता है. मतलब एक एक पीरियड कितना मिनट का होगा, 41 मिनट 00 सेकंड्स. क्लियर, ओके. देन नेक्स्ट 56, आशा करता हूँ ये पिछला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. अब देखते हैं 56, क्वेश्चन नंबर 56. ई 22, एच 19, के 16, एन 13. मतलब यहाँ पे
यहाँ पे 22, उससे तीन कम हुआ 19, 19 से फिर से तीन कम हुआ 16, 16 से फिर से थ्री कम हुआ कितना 13, 13 से थ्री कम हुआ उसमें पे 10 आएगा। मतलब सीधा डायरेक्टली देख के बता सकते हैं 10 यहाँ पे क्या है क्यू। ओके ई क्या लिया हुआ है 22 का अपोजिट कौन है ई है, 19 का अपोजिट कौन है एच है 8। रिवर्स पोजिशन अगर देखते हैं तो 16 पे कौन रहता है के, 13 पे कौन रहता है एन, और 10 पे कौन रहेगा आपका क्यू। ठीक है तो आपका क्या आ गया क्यू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। इन द प्रॉब्लम फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इन द प्रॉब्लम फिगर बी फॉलोज फ्रॉम ए, मतलब ये बी वाला फिगर आपका ए फॉलो करता है। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फिगर्स फ्रॉम द आंसर्स, मतलब अभी क्या करना होगा डी सी को फॉलो करना है और डी के जगह पे कौन आएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये फिगर ऐसा दिया हुआ है ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है ये फिर से रोटेट होके ऐसे किया हुआ है, मतलब उसके ऊपर आपका आ गया ऐसे ही ठीक है। वैसे अगर जैसे कि ट्राइंगल ऐसे दिया हुआ है तो फिर से उसका क्या होगा उल्टा ट्राइंगल बन जाएगा, मतलब ऐसे अगर मैं कर सकता हूँ तो ये आपका हो सकता है। तो ऐसे कहाँ पे है ये ऑप्शन 2, तो ये आपका हो जाएगा। अगर आप ये बोलते हैं नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, थोड़ा मतलब यहाँ पे चेंज हुआ है, एंगल चेंज हुआ है ठीक है। ओके देन क्वेश्चन है 58। यहाँ पे क्वेश्चन दिए दिए ये एफ है ठीक है, यहाँ पे ये एफ है। ओके एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम द फेसेस ऑफ ए क्यूब आर प्रेजेंटेड ए बी सी डी एफ, विच फेस इज ऑपोजिट टू ए, मतलब ए को ऑपोजिट पूछा है। वैसे ही मैं डाइस का चैप्टर खत्म कर दिया हूँ, अगर आप देखे होंगे डाइस का चैप्टर अगर देखे होंगे तो यहाँ पे ए का मुझे ऑपोजिट निकालना है। ए का ऑपोजिट निकालना है पहला प्रेफरेंस क्या करना है आपको, चार एडजेसेंट फेसेस ढूंढना होगा। अगर यहाँ पे ए देखते हैं, ए का एडजेसेंट कौन है बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है, मतलब अभी ए ए का एडजेसेंट कौन आया बी सी, यहाँ पे सी ई मतलब सी फिर से है और ई मतलब तीन एडजेसेंट आया, चार नहीं मिला। तो हमें क्या करना चाहिए अभी टू फेसेस कंसीडर करना है जहाँ पे दो फेस कॉमन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर बी सी देखता हूँ, ए के पास कौन है बी सी, और कहीं पे है क्या बी सी, नहीं है। यहाँ पे सी ई है, यहाँ पे सी ई है क्या, नहीं है, मतलब दो कॉमन फेस भी नहीं आता है। अगर मैं अभी चलता हूँ तीसरा, मतलब एक फेस को आप कॉमन करके कॉमन कंसीडर करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये पहला और ये तीसरा पे अगर देखता हूँ तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। अगर यहाँ पे कॉमन कंसीडर करता हूँ तो क्या करना होगा, मुझे रोटेट करना होगा, मतलब ए बी ए डी फिर बी ए सी, बी ए सी, इसको अगर कंसीडर करता हूँ तो बी डी एफ, तो यहाँ पे आता है बी डी एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है सी और एफ अपोजिट बनेंगे, ए और डी अपोजिट बनेंगे, बी और ई अपोजिट बनेंगे। ठीक है अब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया ए का यहाँ पे अपोजिट पूछा है, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा ए का ऑप्शन 1 डी। क्लियर ओके देन क्वेश्चन है 59। ये थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये 59। एक्स इज 47 ईयर्स ओल्ड, एक्स का अभी ईयर कितना दिया 47। क्लियर वाई इज 6 ईयर्स यंगर देन एक्स, मतलब वाई कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा ठीक है, एंड 14 ईयर्स ओल्डर देन जेड, मतलब वाई किससे 14 साल बड़ा है यहाँ पे दिया हुआ है, एंड 14 ईयर्स ओल्डर देन जेड, जेड से 14 साल बड़ा है, मतलब जेड क्या होगा वाई से 16 साल नीचे होगा, मतलब 14 साल नीचे होगा। अगर 41 से 14 माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 27। ठीक है ओके मतलब जेड का एज कितना है 27। यहाँ पे दिया हुआ है ब्रदर ऑफ वाई इज डी, मतलब अभी वाई का भाई अभी डी है ठीक है, एंड ही इज 15 ईयर्स यंगर टू हिम, मतलब अब कहाँ से अभी अगर आप कंसिडर कर लेंगे कि डी वाई से 15 ईयर यंगर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। लेकिन आपका आंसर क्या है यहाँ पे 26 नहीं है, तो यहाँ पे एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए दिया ब्रदर ऑफ वाई इज डी एंड ही इज 15 ईयर्स यंगर टू हिम, मतलब यहाँ पे हिम मतलब किसको समझाता है जेड को समझाता है, मतलब जेड से 15 साल छोटा है। अब जेड का कितना है 27, अब इसमें से अगर 15 साल छोटा है तो कितना आ जाएगा 12 साल, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 12। क्लियर ओके देन क्वेश्चन नंबर 60। इंडिया इज रिटन एज के पी एफ के सी, फिर से लिख लेता हूँ आई एन डी आई ए, इंडिया इज रिटन एज के पी एफ के सी, तो चेक जो भी चेकोस्लोवाकिया जो दिया हुआ है यहाँ पे ए सॉरी आई क्या है आई यहाँ पे के हुआ है, मतलब दो पोजीशंस आगे गया है। एन क्या गया दो पोजीशंस फिर से आगे, डी क्या गया फिर से दो पोजीशंस आगे, आई फिर से दो पोजीशंस आगे और ए दो पोजीशंस आगे, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट यहाँ पे क्या किए दो दो पोजीशंस आगे चले हैं ठीक है ओके।
वैसे अगर चेकोस्लोवाकिया देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ई बी जी जी, ई बी जी ई, ई बी जी ई, यहाँ पे ये चार सब सब में चार क्या है कॉमन है, मतलब आपको यहाँ पे कॉन्सिडर नहीं करना है। ओके एक सेकेंड, सॉरी गाइस, ये थोड़ा ये हो गया था। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ई बी जी ई सब में कॉमन है, ठीक है, ई बी जी सब में कॉमन है। तो अभी क्या करना है यहाँ पे, अभी देखना है इसमें से ये थोड़ा कॉमन है, ये थोड़ा अलग है। तो पहले हम ये चार को और थोड़ा चेक नहीं करना है। एच नेक्स्ट क्या आ रहा है, एच, एच के पास कौन आते हैं, अगर दो मिलाएंगे तो यहाँ पे जे आएगा। तो अभी आई ये वाला कट गया, मतलब ये गया, ठीक है। अब ये फिर से जे क्यू यू एन, जे क्यू यू एन, यहाँ पे जे क्यू यू एन, यहाँ पे जे क्यू यू एन, एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स सी सब में है। उसके बाद यहाँ पे एम के सी, यहाँ पे एम के ए, यहाँ पे एम के सी, फिर यहाँ पे के सी के है। तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लास्ट तीन देखना है, यहाँ पे के मतलब कौन आएगा, एम आएगा, आई मतलब कौन आएगा, के आएगा, ए मतलब सी आएगा, मतलब एम के सी लास्ट में कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पे एम के ए नहीं होगा, यहाँ पे एम के सी हो सकता है, लेकिन ये वाला फिर पहले गए चला गया है, मतलब फाइनल आपका आंसर वन होगा। ऐसे करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। अगर एक एक करके सारा का सारा लेटर का आंसर निकालेंगे तो आपका सिर्फ टाइम लॉस होगा और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी पहले चार एलिमेंट्स पांच एलिमेंट्स कॉमन है तो उसको सारा का छोड़ दीजिए, नेक्स्ट एलिमेंट थोड़ा चेक कर लेंगे तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, ये एक तो आपका मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एंगल एक्स एंड वाई इन डिग्रीज। अगर उतना तो मुझे फॉर्मूला पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं, अगर ये जो एंगल जो 90 दिया है, इसका मतलब ये वाला भी एंगल कितना होगा, 90 आएगा। और एक बात याद रखिए, अगर ये वाला एंगल 90 आता है तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमेशा एंगल एम कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये एंगल जेड दिया हुआ, ठीक है, एंगल जेड कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 90। यहाँ पे एंगल जितना रहेगा 135 रहता है, ये तो उसका हाफ हो जाता है, 120 रहता है तो ये 60 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो 90 दिया हुआ है, 90 का एंगल कितना हुआ, ये 90 मतलब ये 90, ठीक है, तो 90 का एंगल हाफ कितना था, 45। अब मैं बोल सकता हूँ एंगल जेड, उसके बाद ये है एंगल वाई, ये है एंगल एक्स। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा आपका, एक ट्राइंगल में टोटल मिलाने में कितना था, 180 डिग्री। मतलब अब जेड पता चल गया कितना, 45 डिग्री। तो अभी एक्स और वाई दोनों मिलाएंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 45 आपका कितना था, 135 डिग्री। क्लियर, आपका आंसर आएगा 135। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन वन इज 135 डिग्री। क्लियर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। एट प्रेजेंट माई एज इज 3 ईयर्स मोर देन द ट्वाइस। अभी मेरा, अभी मान लीजिए मैं ए कंसीडर करता हूँ, इक्वल 3 ईयर्स मोर देन ट्वाइस ऑफ माई ब्रदर्स एज, मतलब 2 × b, मतलब मेरा ब्रदर है उसका दोगुना से मेरा 3 साल बड़ा है। इफ 2 ईयर्स बैक आई वॉज 9, मतलब 2 साल पहले मैं 9 था, मतलब अब कितना रहेंगे, अब मैं 11 रहूंगा। अब दो, इफ 2 ईयर्स बैक आई वॉज 9, मतलब 2 साल पहले मेरा कितना साल था, मैं कितना साल का था, 9 साल, 9 साल का था। तो अब कितना हो जाएगा, 9 + 2, मतलब अभी मेरा एज कितना है, 11। और मेरा जो एज है तो ये क्या हो, 3 प्लस मेरा छोटा भाई का दुगना से मेरा 3 ज़्यादा है, मतलब 3 + 2 × b मैं ले सकता हूँ। इसका मतलब अब 2 × 2 b कितना हो गया, 11 माइनस, अभी 3 इधर आ जाएगा तो 11 - 3 8 हो जाएगा, 8 ईयर्स का होगा। अब इसलिए b कितना हो गया, b मतलब 8/2 कितना हो गया, 4 ईयर्स का हो गया। मतलब मेरा छोटा भाई कितना ईयर्स का है आपका, 4 ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर, ठीक है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। ए डिफेक्टिव टाइमर दैट गेन्स 10 मिनट्स इन एवरी 24 आवर्स इज सेट एट 0। मतलब क्या होता है कि टाइम कुछ मिनट आगे चला जाता है घड़ी में, यहाँ पे और क्या दिया, 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलता, मतलब एक दिन में, एक दिन में मतलब वन डे, एक कॉम्प्लीट डे पे 10 मिनट गेन कर लेता है कौन, आपका मिनट हैंड, ठीक है।
ओके व्हाट वुड बी द करेक्ट रीडिंग इफ द टाइमर शोज 145 आवर्स, अगर 145 आवर्स शो करता है तो कौन सा एक्चुअली सही टाइम होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है देन इज सेट जीरो, अब जीरो में मान लीजिए सेट किया, उसके बाद 145 आवर्स दिखाता है, आप क्या करेंगे वन बाय वन ऑप्शन थ्रू ऑप्शन अगर चेक करेंगे यहाँ पे इजिली आंसर निकल जाएगा। 144 आवर्स मतलब 144 आवर्स, इसका मतलब 144 बाय 24 करते हैं तो कितना आता है 6 डेज, ठीक है, मतलब अभी 144 आवर्स मतलब 6 दिन पूरा होता है। वैसे अगर एक दिन में 10 मिनट का गेन करता है तो 6 दिन में कितना मिनट गेन करेगा, यहाँ पे 60 मिनट गेन करेगा, तो 60 मिनट मतलब फिर से क्या होता है 1 आवर एक्स्ट्रा होता है, तो इसका मतलब 144 आवर्स की जब घूमता रहेगा उसमें कितना टाइम वो गेन करेगा 1 आवर, मतलब ये टोटल कितना हुआ 144 प्लस 1 145 आवर्स आपका टोटल होता है, मतलब अभी जब 145 शो करता है तो आपका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा नंबर 144 आवर्स, मतलब 144 जब घंटा का ड्यूरेशन होता है वहाँ पे 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लेता है, ठीक है ओके। आशा करता हूँ समझ में आएगा, तो ये है आपका रहेगा नंबर 1 एक्चुअल आंसर रहेगा, ठीक है ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 ओके। ये एक स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, कभी कभी आता है आपका क्वेश्चन में ओके, देखना है कैसा क्वेश्चन है। द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज फॉलोड बाय टू एजम्पशंस, एजम्पशन मतलब यहाँ पे सीधा कंक्लूजन लिया हुआ, ठीक है ओके। विच एजम्पशंस और इज आर इम्प्लिसिट द स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे ऑल वार विडोज इन इंडिया नीड टू बी कवर्ड अंडर फैमिली पेंशन, स्टेटमेंट ये दे, अब जो मुझे लेना है वो स्टेटमेंट को कंसिडर करके लेना है। देर आर ए पेंशन प्लान इन इंडिया, यहाँ पर ओके पेंशन प्लान तो इंडिया में है ही सही है, और देर आर वॉरियर्स सॉरी वॉर विडोज इन इंडिया सही है, तो यहाँ पे करना क्या है, अगर ये दोनों को मैं एज्यूम कर सकता हूँ तो बोथ वन एंड टू कैन बी एज्यूम्ड, या फिर कंक्लूजन मैं यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ कि दोनों इसमें है यहाँ पे ओके। देन क्वेश्चन नंबर 65, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। ए रिवर फ्लोस अलॉन्ग द ईस्ट वेस्ट डिरेक्शन, मतलब अभी मान लीजिए अभी ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट से ये वेस्ट हुआ डिरेक्शन हुआ, ठीक है, रिवर ऐसे फ्लो करता है। यहाँ पे ऑन ए पर्टिकुलर डे इन द मॉर्निंग मोहन वाज सीन एट ए प्लेस ए लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द रिवर, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ए नॉर्दर्न साइड, ये नॉर्थ है, ये क्या है आपका साउथ है, और ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, अभी ईस्ट है वेस्ट अभी फ्लो कर रहा है, ठीक है ओके। तो यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करता हूँ ओके, मोहन वाज सीन एट ए प्लेस ए, यहाँ पे मोहन ए के पास खड़ा था, लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द रिवर, ऑन द सेम इवनिंग ही वाज सीन एट द प्लेस बी लोकेटेड ऑन द साउदर्न साइड ऑफ द रिवर, मतलब बी यहाँ पे है, अब तो मोहन मॉर्निंग पे यहाँ पे था, अब इवनिंग पे यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, फॉलोइंग आर द कमेंट्स मेड बाय फोर ऑफ हिज फ्रेंड्स, अभी चार उसका दोस्त कुछ कमेंट किया, मतलब क्या कुछ बोले, क्या बोले, मोहन मस्ट हैव क्रॉस्ड रिवर ओनली वंस, हाँ एक बार अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पे आ सकता है ओके। मोहन मस्ट रिवर क्रॉस द रिवर फोर टाइम्स, मतलब क्या होता है, आएगा फिर से चलेगा, फिर से आएगा फिर से चलेगा, मतलब फिर से ए पहुंच जाएगा, बी नहीं होगा, तो ये कभी गलत ठीक से नहीं सही नहीं हो सकता है। मोहन माइट हैव क्रॉस द रिवर 5 times, अगर 5 बार अगर ठीक है, पहला इस तरफ आएगा, दूसरा इस तरफ, तीसरा इस तरफ, चौथा इस तरफ, फिर से 5वां इस तरफ, तो ये भी हो सकता है, मतलब अभी पहला वाला सही हो सकता है, फिर थर्ड वन भी सही हो सकता है। अभी मोहन माइट हैव क्रॉस इट एनी नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ नहीं होगा, अगर इवन नंबर हो जाता है तो फिर से बैक कर जाता है उसका बेस्ट पोजिशन पे, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर होता है, अगर 1 बार हुआ या फिर 3 बार हुआ या फिर 5 बार हुआ तो फिर से क्या अभी दूसरा पोजिशन बी के पास यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 1 and 3, मतलब यहाँ पे एक पहला स्टेटमेंट एंड तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 66 फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है, अब एनालॉजी का क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, कोर्ट इज टू जस्टिस, स्कूल कोर्ट में जस्टिस दिया जाता है, स्कूल में क्या आता है एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है ओके। विच नंबर इज अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड इन द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, यहाँ पे डी का पोजिशन 4 है, एच का पोजिशन 19 है, एच का एक्चुअल 8 है, रिवर्स पोजिशन 19 है, जे का पोजिशन 10 है, आर का रिवर्स पोजिशन 9 है, अब यू का पोजिशन कितना होगा 21, यहाँ पे डायरेक्टली 21 दिया हुआ है, ठीक है ओके। यू का पोजिशन यहाँ पे 21 डायरेक्टली आपको लेना है, यू इज 21। नेक्स्ट ये बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जन मुझे बार बार पूछते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो ठीक है सही है, देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है एक क्लास, स्पेशल क्लास ऑफ प्राइम नंबर्स
इज कॉल्ड EMIRP, मतलब यहाँ पे चारों को चार जो दिया हुआ है, ये दीज आर योर प्राइम नंबर्स एंड कॉल्ड EMIRP, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, PRIME को अगर उल्टा करते हैं तो EMIRP होता है, ठीक है। वेयर द स्पेलिंग्स डिनोट द सेंस, मतलब अभी क्या हुआ है, स्पेलिंग डिनोट द सेंस, मतलब यहाँ पे सिर्फ उल्टा लिखा गया है। तो आइडेंटिफाई एन EMIRP एमोंग द गिवन प्राइम्स, मतलब मुझे क्या करना है, इस ये चारों में से ऐसा एक प्राइम नंबर ढूंढना है जिसको उल्टा करने में भी आपको प्राइम नंबर से मिलेगा। मतलब 41 को उल्टा करेंगे तो 14, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, नहीं होगा। 53 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 38 को अगर 83 को अगर उल्टा करता हूँ तो 38 आएगा, लेकिन ये भी उल्टा है, ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर 73 को मैं उल्टा करता हूँ तो यहाँ पर 37, ये एक आपका प्राइम नंबर है, मतलब सही में प्राइम नंबर है, अगर उल्टा करेंगे तभी प्राइम नंबर है। देखिए यहाँ पे उल्टा किया है, तो ये सेंस को मुझे समझना है, उल्टा करने के बाद भी आपको 37 मिलता है जो कि प्राइम नंबर, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कंक्लूजन चेक करना है आपको। टीचर्स आर ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स नीड रेस्ट। ओके, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, कंक्लूजन जब पूछा है तो ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट टीचर्स, और ये बात सही है, सारा का सारा टीचर्स मतलब ह्यूमन बींग्स टीचर्स नहीं है, ये सही है। टीचर्स नीड रेस्ट, ऑब्वियसली टीचर नीड रेस्ट, तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 आपका सही होगा, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, लुक एट द प्लेटफॉर्म, सॉरी लुक एट द प्रॉब्लम फिगर्स एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द आंसर फिगर्स शुड रिप्लेस द क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे देखिए, ये अभी नेक्स्ट यहाँ पे आपका सीरीज क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब नॉन वर्बल सीरीज क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पहले ऐसा था, ये और इसके बीच में दो पोजिशंस यहाँ पे गैप थे, ठीक है, या फिर मैं इस तरफ से अगर देखूँ तो यहाँ पे ये एक ये होना चाहिए। ओके, उसके बाद जब यहाँ पे देखा जाए तो एक पीछे आ गया, इस तरफ से कितना हो गया, सॉरी ये नहीं है, ये बड़ा वाला इस तरफ है, ये छोटा वाला यहाँ पे 2 है। इसके बाद ये बड़ा वाला इस तरफ आ गया, यहाँ पे 2 मतलब बचा हुआ है, ये इन दोनों के बीच में एक छोटा वाला रहेगा। उसके बाद क्या, इसके पास आ गया, उसके बाद क्या आएगा, ये दोनों मिल जाएंगे, अगर मिल जाएंगे मतलब दूसरा होगा जो कि ऑप्शन आपका 2, क्लियर। ओके, आप यहाँ पे रोटेट करके ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच रीजन डिनोट्स इंडियन लीडर्स हु आर नॉट सिंगर्स इन द, मतलब इंडियन होना हो गए, लीडर्स होंगे लेकिन सिंगर्स नहीं होंगे, मतलब फिर से कॉमन, ये दोनों में कॉमन क्या है, 2, मतलब आपका नंबर 1 2, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, नंद रैंक्स 18 फ्रॉम द टॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशियंट टू फाइंड दिस पोजिशन फ्रॉम द बॉटम। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है डाटा सफिशियंसी, ठीक है। ओके, डाटा अगर सफिशियंसी क्वेश्चन पूछा है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ चेक करना कि कौन सा मतलब मिलाने पे मेरा आंसर आ सकता है। देर आर 47 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, अगर नंदा का पोजिशन टॉप से 18 है तो अभी अभी टोटल अगर मुझे मिल जाता है तो क्या करना होगा, टोटल प्लस 1 माइनस 18 करने पे कितना होगा, मेरा बॉटम से मिल जाए तो नंबर 1 को लेकर मैं आंसर निकाल सकता हूँ। वैसे यहाँ पे किशोर हु रैंक्स 10th इन द सेम क्लास हैज 38 पोजिशन फ्रॉम द बॉटम, मतलब यहाँ पे किशोर का टॉप से दिया हुआ है, बॉटम से दिया हुआ है, इसका मतलब अब टॉप बॉटम दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं टोटल निकाल के अब टोटल माइनस वन, टोटल प्लस वन माइनस 18 करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ, मतलब स्टेटमेंट 1 लेने पे चलेगा, स्टेटमेंट 2 लेने पे चलेगा, मतलब अभी ये क्वेश्चन का आंसर आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 होगा, जो कि कहीं किसी भी एक को आपको अगर कंसीडर करेंगे तो आंसर यहाँ पे निकल सकता है, किसका, नंदा का पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। ओके, ये है आपका फिर से नॉन वर्बल क्वेश्चन, मतलब अब पहला अगर दूसरा को रिलेट किया है तो तीसरा चौथा को कैसे रिलेट करेगा, वो यहाँ पे पूछा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 सर्कल्स है, यहाँ पे एक स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, जब यहाँ पे उल्टा हो गया, रेक्टेंगल 2 हो गया, सर्कल यहाँ पे 1 हुआ और ये नीचे आ गया, ये ऊपर, मतलब फिर से ट्राइंगल यहाँ पे नीचे आके 2 हो जाएगा, हेक्सागन ऊपर आके 1 होगा, तो ये कहाँ पे ट्राइंगल 2 है, यहाँ पे, तो ये आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट, इफ इन ए कोडिंग लैंग्वेज CEHL, यहाँ पे CEHL इज कोडेड एज WTPK। ओके, सी कितना है 3, ई कितना है 5, ये है 8, एल कितना है 12। अब W अगर देखते हैं तो यहाँ पे W का रिवर्स पोजीशन लेंगे तो 4, T का रिवर्स पोजीशन कितना है 7, P का रिवर्स पोजीशन कितना है 11, K का रिवर्स पोजीशन कितना है 16, मतलब 3 से 1 बड़ा होकर 4 हुआ है,
पाँच से दो आगे चल के दो, सात, आठ से तीन आगे चल के 11, 12 से चार आगे चल के 16। मतलब अभी डी जी जे एम के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब डी से आगे चलने पे कितना आएगा, मतलब चार हुआ, एक चलने पे पाँच, जी 7, मतलब ये कितना होगा 9, जे कितना 10, इसमें से अभी तीन आगे चलेंगे तो कितना होगा 13, वैसे एम 13, चार आगे आगे चलेंगे तो 17। अब पाँच का रिवर्स पोजिशन कौन है, यहाँ पे भी 9 का रिवर्स पोजिशन कौन है, आर, 13 का रिवर्स पोजिशन कौन है, एन, एंड 17 का रिवर्स पोजिशन कौन है आपका, जे। तो आपका आंसर क्या आ गया, भी आर एन जे, तो ऑप्शन नंबर 3। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक एक आगे, एक दो तीन चार आगे बढ़ा के ले आया, लेकिन उसका रिवर्स पोजिशन दिया हुआ। चार में रिवर्स में कौन है, डब्ल्यू, सात में रिवर्स में कौन है, टी, ऐसे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, बाकी 6 क्वेश्चन है। आशा इज द डॉटर ऑफ कनिका, ओके, आशा इज द डॉटर ऑफ कनिका, ओके। देन शशि, कनिकास ओनली सिस्टर, कनिका का ओनली सिस्टर है शशि, ओके ओके। आशा इज द डॉटर ऑफ कनिका, शशि इज द ओनली सिस्टर ऑफ, ओके, शशि कनिकास ओनली सिस्टर हैज टू डॉटर्स। अब इनका अभी दो लड़की है, ठीक है, ओके, सिस्टर्स दिव्यांशी एंड प्रतीक्षा, ये है दिव्यांशी, ये है प्रतीक्षा, ओके, बट नो सन्स, इसका अभी कोई लड़का नहीं है। शिवालिक इज द मैटरनल अंकल ऑफ दिव्यांशी, दिव्यांशी का मैटरनल अंकल मतलब उनका मामा का भाई शिवालिक, ओके, शिवालिक इज द मैटरनल अंकल ऑफ दिव्यांशी, तो यहाँ पे शिवालिक हो सकता है। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन हाउ मेनी नेफ्यूज डॉ शिवालिक है, अब कितना नेफ्यू है, अब यहाँ पे नेफ्यू मतलब क्या, उसका भाई या फिर बहन का लड़का होंगे, लेकिन यहाँ पे शशि के सिर्फ दो लड़की है, लड़का के बारे में मतलब यहाँ पे नो सन इज देयर यहाँ पे बोला, मतलब एक भी यहाँ पे लड़का नहीं आएगा। लेकिन कनिका का आशा एक लड़की है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नहीं दिया हुआ, ओनली आशा, आशा इज द ओनली डॉटर नहीं दिया हुआ, मतलब इसका भाई हो सकता है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर डाटा सफिशियंट, डाटा इज नॉट सफिशियंट आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 76, विच नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 9, मतलब 9 से यहाँ पे 4 बढ़ के 13, 13 से अगर 9, मतलब ये भी 2 का स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, अगर आगे चलेंगे तो कितना आएगा 38, 38 से फिर से अगर 25, 5 का स्क्वायर मिलेंगे 63 आता है, मतलब आपका आंसर आ गया कितना, नंबर 3, 38, क्लियर, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 77, रिप्रेजेंट्स, ओ रिप्रेजेंट्स एडिशन, ओ रिप्रेजेंट्स एडिशन, देन एम रिप्रेजेंट्स सब्सट्रैक्शन, ए रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लीकेशन, एंड क्यू रिप्रेजेंट्स डिविजन, ओके। उसके साथ साथ एक्स रिप्रेजेंट्स इक्वल, वाई रिप्रेजेंट्स ग्रेटर देन, एंड जेड रिप्रेजेंट्स लेस देन, ओके। अब करना क्या है, अब वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग इज करेक्ट, आइडेंटिफाई दैट, आइडेंटिफाई दैट, मतलब ये चारों में से कौन सा आपके लिए सही होगा। तो ये अगर देखते हैं तो एक एक करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आपको चेक करना होगा, ठीक है। अगर ये अगर देखते हैं तो हम पहले देख लेते हैं 12, ठीक है, 12 पुट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा नीचे करता हूँ, तो 12 x का मतलब कितना हो, इक्वल्स टू 4, जीरो 4, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 40, यहाँ पे 42, 402, यहाँ पे ये जीरो नहीं होगा, ये एक्चुअली ओ होगा, ठीक है। ओ मतलब क्या है, प्लस 2, क्यू मतलब क्या है, डिवीजन 1, ए मतलब मल्टीप्लिकेशन, 4 मल्टीप्लिकेशन, अभी लास्ट में जेड मतलब क्या है, ए जेड मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब ये वाला गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा अगर चलेंगे तो 8y2 मतलब 8y मतलब ग्रेटर देन 2, ए का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 3 ए का मतलब फिर से मल्टीप्लिकेशन, 4 क्यू का मतलब डिवीजन, 2 ए का मतलब फिर से मल्टीप्लीकेशन, 4 मतलब यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे 4/2 कितने हुआ, 2, 2 इंटू 3 6, 6 दुने 12, 12 इंटू 12 इंटू 4 कितना होगा 24, 8 इज ग्रेटर देन 24 नहीं हो सकता है, तो नंबर 2 इज रॉन्ग। फिर से नंबर तीसरा अगर चलेंगे तो 10 एक्स, एक्स मतलब क्या, इक्वल्स टू, अब 2 यहाँ पे फिर से यह जीरो नहीं होगा, ये ओ होना चाहिए, यहाँ पे ये ओ होना चाहिए, यहाँ पे भी गलत दिया हुआ है, ओके, एक सेकेंड बचे,
ओके तो यहाँ पे क्या जाता है दस, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपका क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ये ओ होना चाहिए, मतलब टू ओ, मतलब यहाँ पे क्या है ओ आपको मतलब प्लस दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, ओके ओ का मतलब प्लस, टू प्लस टू, ए मतलब इंटू फोर, यहाँ पे फिर से ओ होना चाहिए, मतलब फिर से प्लस वन, एम का मतलब कितना है माइनस टू। अब दो इंटू चार कितना हुआ आठ, आठ प्लस दो दस, दस प्लस एक ग्यारह, ग्यारह माइनस दो कितना होगा नाइन होगा, टेन इक्वल्स टू नाइन कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी, ठीक है, समझ पाए। अगर इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, नंबर फोर आएगा, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, 617 मीन्स, अभी 617 मीन्स स्वीट एंड हॉट, 735 मीन्स कॉफी इज स्वीट, 6263 मीन्स टी इज हॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग वुड मीन कॉफी इज हॉट। अब मुझे लिखना है कॉफी, वैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 617 स्वीट एंड हॉट, ठीक है। वैसे नेक्स्ट 7 इज 617, ठीक है, 735 मीन्स कॉफी इज स्वीट, मतलब यहाँ पे 7 क्या हो गया स्वीट हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 263, 263 मीन्स टी इज हॉट, मतलब यहाँ पे हॉट है, यहाँ पे हॉट है, मतलब यहाँ पे क्या कॉमन आता है, यहाँ पे 617 263, सॉरी सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत दिया हुआ, स्वीट इज स्वीट एंड हॉट, यहाँ पे देन 735 मीन्स कॉफी इज स्वीट, कॉफी इज स्वीट, यहाँ पे आपका दिया 263, हाँ यहाँ पे क्या हॉट है, यहाँ पे हॉट है, मतलब यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे सिक्स है, तो मतलब हॉट के लिए क्या आपका आ गया सिक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे थ्री, मतलब यहाँ पे इज 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 का मतलब क्या हो गया तीन आ गया, तो टी के बदले क्या आएगा टू, और कॉफी के बदले क्या आएगा फाइव, तभी क्या दिया कॉफी इज हॉट, मतलब फाइव है, इज के लिए क्या होगा थ्री होगा, हॉट के लिए क्या होगा सिक्स होगा, मतलब 536 होना चाहिए, ऑप्शन वन 536, क्लियर, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 79, इन ए फुटबॉल मैच ऑल टुगेदर 9 गोल्स है, सारा टोटल मिला के ए प्लस बी मिला के कितना होगा 9, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय ईच टीम इज ए प्राइम नंबर, मतलब ए बी प्राइम नंबर होगा, मतलब यहाँ पे ऐसे हो सकता है 1 होगा तो 8 होगा, लेकिन प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं चल सकता, ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, मतलब आपका 2 7 हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर 3 लेंगे तो 6 लेंगे, 3 6 गोल नहीं होगा, 2 5 2 7 हो सकता है, या फिर आपका 4 5 नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे ये प्राइम नंबर नहीं है, या फिर से 5 4 नहीं होगा, 6 3, ये तो अगर ये नहीं होगा, मतलब सीधा 2 एंड 7, एक आपका गोल, एक आपका टीम गोल किया 2 का और एक गोल किया आपका 7, मतलब 2 और 7 के बीच में डिफरेंस, देन व्हाट इज द मार्जिन ऑफ विक्ट्री, मार्जिन ऑफ विक्ट्री मतलब डिफरेंस 5। देन क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन ए रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल, मतलब ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक मैं ले लेता हूँ, आप कैसे भी करके ले सकते हैं। एफ इज सिटिंग अपोजिट टू बी, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एफ बैठा हुआ है, ठीक, एफ इज सिटिंग अपोजिट टू बी, अगर बी यहाँ पे तो एफ यहाँ पे, बी इज नॉट नेक्स्ट टू ए, मतलब यहाँ पे ए बैठ नहीं सकता है, यहाँ पे भी ए नहीं बैठ सकता है, ठीक है। उसके बाद डी इज ऑन द राइट ऑफ एफ, एफ का राइट में कौन है डी, ठीक है। ए इज सिटिंग अपोजिट टू ए, मतलब अब ए कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे नहीं बैठ सकता, मतलब यहाँ पे ए, तो यहाँ पे ई, ठीक है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे आ जाएगा सी। अभी क्वेश्चन पूछा है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट हैंड साइड ऑफ ए, ए का इमीडिएट राइट हैंड साइड में कौन बैठा है सी, मतलब यहाँ पे आपका आंसर है क्या सी। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा, अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो फिर से मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर से मैं और एक सेशन लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।